हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि जो है IIT गांधीनगर के लिए कितना मिनिमम गेट स्कोर रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, सभी ब्रांचेज के मैं बात करूंगा। तो ऑलरेडी मैं जो है ओल्ड IIT हैं, मैं उनका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। जैसे आपका IIT बॉम्बे हो गया, खड़गपुर हो गया, मद्रास हो गया, और क्या कहते हैं आपका रुड़की हो गया, कानपुर हो गया, आपका जो है दिल्ली हो गया, IIC बंगलोर हो गया, इन सभी IITs का जो है और IIC का मैं जो है ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग जो है इन वीडियो का उनका भी कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा लेना मैं मुझे जो है किस IIT में अप्लाई करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो गेट पेपर आपका CH था। CH से जो लोग मतलब सभी ब्रांच लगभग अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में, तो CH का जो कट ऑफ गया था वो 500 गया था जनरल के लिए, OBC के लिए आपका 450, SC ST के लिए 333 गया था, AG के लिए आपका 450 गया था गेट कट ऑफ, 405 OBC के लिए, 297 आपका SC ST के लिए, BT में आपका जो है देख सकते हैं कि 420 गया था, 378 और 277.2 गया था आपका गेट स्कोर रिक्वायर्ड था बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में। और CY में आपका जो है 450 था, 405 आपका OBC के लिए था, 297 SC ST के लिए था, CE में आपका 500 था, 450.33 हो। तो इस तरीके से आपका कट ऑफ था। CS के थ्रू जो है 550 गया था, E के थ्रू 550 गया था, AC के थ्रू 550, XC के थ्रू 450, IN के लिए 550, PE के लिए 450। तो इस तरीके से कट ऑफ गया था। ME के थ्रू 550 गया था गेट कट ऑफ। ठीक है, मैकेनिकल की अगर बात की जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका तो ME 400 था, इसके लिए 360 तो लो कट ऑफ पे एडमिशन हो जाता है क्योंकि ये नई IIT है। ठीक है, IIT गांधीनगर, तो इस पर लो कट ऑफ पे एडमिशन हो जाता है। 266.68 ST कैटेगरी के लिए था मैकेनिकल में। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 350, देख रहे हो बहुत ही कम कट ऑफ था। ठीक है, बहुत ही कम कट ऑफ था, तो उस पर एडमिशन मिल गया था 350 पे। इलेक्ट्रिकल की अगर बात किया जाए भाई साहब, इलेक्ट्रिकल में आपका 600 गया था कट ऑफ AC के लिए, 540 गया था OBC के लिए, SC ST के लिए आपका जो है 400 गया था। अदर देन EC, जो EC के अलावा इलेक्ट्रिकल में अदर देन EC वाले जो बच्चे थे 660 गया था गेट कट ऑफ, 440 SC ST के लिए गया था। अर्थ सिस्टम एंड साइंस में इंजीनियरिंग साइंस XC के थ्रू जो एडमिशन लिए थे बच्चे, 570 गया था, 513.380। तो इस तरीके से कुछ कट ऑफ था। और 400 आपका जो है गया था कट ऑफ। सिविल में आप लोग देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में आपका 620 गया था गेट कट ऑफ, 558 आपका OBC के लिए, 413 SC ST के लिए। केमिकल में आपका जो है 432 गया था, 338 आपका OBC के लिए गया था, 289 SC ST के लिए गया था। कंप्यूटर साइंस में आपका 600 गया था गेट स्कोर रिक्वायर्ड, 540 था आपका जो है OBC के लिए, SC ST के लिए 396 था आपका गेट स्कोर रिक्वायर्ड। तो आपका IIT गांधीनगर का आप लोग गेट कट ऑफ देख सकते हैं कि इसी तरीके से आपका गेट कट ऑफ था। ठीक है, तो बहुत ही मतलब कि अगर हाँ, दूसरी बात यह है कि प्लस माइनस का अगर 50 का अंतर हो, जैसे मान लीजिए 500 इसमें रिक्वायर्ड था तो आपका मान लीजिए 450 है, तो क्या आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल भैया अप्लाई करना चाहिए, नो डाउट आपको अप्लाई करना चाहिए और आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि स्पॉट राउंड तक चांसेस है कि स्पॉट राउंड तक मिल सकते हैं चांसेस। तो प्लस 100-200 रुपये के लिए भैया हमें नहीं देखना है, आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात भैया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं तो भैया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भैया आप लोग। ठीक है, और थैंक यू, फिर मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।